पूरा राजस्थान कह रहा है कि बीजेपी हारी है। सबसे पहले जो अन्नपूर्णा योजना थी उन्होंने आते ही अन्नपूर्णा को वो अन्नपूर्णा का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी रसोई कर दिया और अन्नपूर्णा माँ का अपमान किया है। जो अन्नपूर्णा माँ का अपमान किया है इस वजह से अशोक गहलोत की सरकार धराशायी हो जाएगी। अभी राजस्थान में कितनी सीटें आएगी ये हम बता सकते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बता सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे जानना है कि क्या होगा। यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, 140 से 50 के बीच में सीट आएगी बीजेपी की। फिर खुद की राहुल गांधी खुद किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसकी माँ कौन सी जाति की है, उसके पिता कौन सी जाति के है, उसके दादा कौन सी जाति के हैं, फिर जाति का जनगणना होती है। अशोक गहलोत से हम बहुत पूरी कतर से प्रताड़ित है। वेल आई एम इन वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ जोधपुर नोन एज हटाई। Now this is a place where all citizens from the area, they sit together, they have a discussion. Right now we see they are having a moong bhaji and having a kind of discussion. This is also a place where you see there are several people from the area who come together, have a chit chat and discuss politics, not only about this very particular region, but the politics discussion is still state level, national level and also international level. Well, yes, we are showing you the glimpse of Hatai, the famous Hatai of Jodhpur, and right now what you see is where the candidates have come to Hatai to have a discussion with the people over here. This is generally an area, you know, kind of scenario where politicians come and chit-chat with the all of the citizens in this very particular Hatai. They have some kind of together programs of bhajan, kirtan and a lot of discussion. Directly going to some of the senior members of Hatai who generally sit and have a chit-chat on political discussions and arena. Sir, ye bataye, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हटाई क्या चीज होती है? हटाई पांच लोग छह लोग बैठते हैं, रात को भाई अपना समय पास करते हैं, आने जाने की सब व्यवस्था करते हैं और सब पूरे शहर की गपचप यहाँ होती है। कौन सी क्या चीज होती है सबसे पहले यहीं पे मालूम पड़ता है। जोधपुर की कोई भी घटना हो, कोई भी घटना हो सब यहीं पे पता चलती है। कोई भी घटना हो जोधपुर में हटाई पे सबसे पहले पता चलती है। तो सारे लोग इसीलिए इकट्ठे होते हैं कि मैं कुछ एरिया में जा रहा हूँ, आप कुछ एरिया में जा रहे हैं, तो सब जगह की इन्फॉर्मेशन आती है। ये होता है, इस ये हटाई है और पूरे रात चलती है हटाई है। पॉलिटिकल डिस्कशन भी यहाँ सब पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कशन यहाँ पे होता है। क्या होने वाला है ये चुनाव विश्लेषण से ज्यादा जानकारी यहाँ होती है। अभी राजस्थान में चुनाव है, अभी राजस्थान में कितनी सीटें आएगी ये हम बता सकते हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बता सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे जानना है कि क्या होगा। यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, 140 से 50 के बीच में सीट आएगी बीजेपी की। कॉन्फिडेंस गहलोत की सरकार से तुष्टिकरण वाली जो सरकार है उसे पूरी कतर से परेशान है। महिला अत्याचार में नंबर वन, झूठ में नंबर वन, एक भी काम नहीं हुआ। उनके आका है, अभी चार दिन पहले उनके आका आए थे, वो कहने लगे जाति क्या है, जाति का जनगणना कराई जाए। उनको पूछो उनकी खुद की जाति क्या है, वो खुद की राहुल गांधी खुद किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसकी माँ कौन सी जाति की है, उसके पिता कौन सी जाति के है, उसके दादा कौन सी जाति के है, फिर जाति का जनगणना होती है। हमारे यहाँ विशेष चर्चा ये होती है और अशोक गहलोत से हम बहुत पूरी कतर से प्रताड़ित है। बहुत तुष्टिकरण की राजनीति की है और एक ही वर्ग को बढ़ावा दिया है। हम जाति विशेष हम उसके अशोक गहलोत काम करते हैं, सिर्फ मुसलमान और माली के लिए काम करते हैं अशोक गहलोत। सरदारपुरा इलाके से नजदीक है या यू नो पार्ट है, ये एक बैस्टियन कहा जाता है गहलोत का, लोगों के मतलब सालों से गहलोत जीतते आए हैं। तो किस तरह है इस बार वो भी जा रहे हैं, अशोक गहलोत भी 100% हार रहे हैं। अशोक गहलोत ने सीमांगन इस तरह से किया है कि वो वहीं से जीते हैं। माली मुसलमान मेघवाल की जाति के वोट है उनके। सरदारपुरा है और सरदारपुरा एरिया अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं, सरदारपुरा एरिया अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं और सरदारपुरा नाम लिखा रख रखा है उसने। लोग कहते हैं यहाँ पे लोग सीएम को वोट देते हैं, लोगों को वोट या कंटेस्टेंट्स जो हैं उनको नहीं, कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देते, पार्टी को वोट देते हैं। हो गई और ये पता अब ये बात है, विचारधारा के साथ रहते हैं यहाँ के लोग, अब लोग व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रहते हैं, त्रस्त है। पूरे पूरे राजस्थान में लोग त्रस्त है, इसलिए सरकार बदलेगी। हम उसको वोट देते हैं जो हमारा ध्यान रखता है। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम मोदी जी को वोट देंगे, पूरे भारत में मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी के लिए काम करेंगे। हमारे जोधपुर का सीएम होते हुए भी हम उससे त्रस्त है कि जोधपुर के लिए कोई काम नहीं करता है और तुष्टिकरण की राजनीति करते सारे।
जो वेट की कमी है उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में बिल्कुल कमी नहीं की। हटाई में किस तरह से लोग जो है यू नो बैठते हैं, कौन से इलाके से या इसी यही पर्टिकुलर इलाका है करते हैं सभी लोग? जालोरी गेट है, यहाँ जालोरी गेट देखा आपने, जालोरी गेट से अंदर इस सिटी में आते हैं ब्लू सिटी, वो पूरा एरिया आते ही कहलाता है। पर जो लोग अपनी कोटा है, जो प्राचीन परकोटा है उसके अंदर जो भी हताई लगती है शहर में, किले से लगाकर जालोर गेट तक, वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग एरिया में लगते हैं, जैसे नवचौकिया में लगा, भीमजी के मोहल्ले में लगा, जाला मोहल्ले में लगा, यहाँ पर लगी, भजन चौकी पर लगती है, सब जगह अलग अलग हताई चलती रहती है। ये इसी कौन सा जालोर गेट जो है, जालोरी गेट की हताई है, वो कह रही है कि बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी पूरा जोधपुर पूरा राजस्थान कह रहा है कि बीजेपी आ रही है। अशोक गहलोत के तुष्टिकरण से, महिलाओं के अत्याचार से हम पूरी तरह प्रताड़ित है और सरकार 100% बदलेगी, 180 सीट आएगी बीजेपी की। अच्छा, ऐसे कौन से पहले प्रेडिक्शंस रहे हैं जो एकदम करेक्ट और राइट रहे हैं? मैंने सुना इंटरनेशनल भी चीजें जो है यहीं पे डिस्कस होती है, हर तरह का डिसीजन यहाँ से फाइनल होता है, वही आता है रिजल्ट। अशोक गहलोत का जाने का एक सबसे बड़ा रहेगा, सबसे पहले जो अन्नपूर्णा योजना थी उन्होंने आते ही अन्नपूर्णा को, वो अन्नपूर्णा का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी रसोई कर दिया और अन्नपूर्णा माँ का अपमान किया है। जो अन्नपूर्णा माँ का अपमान किया है, इस वजह से अशोक गहलोत की सरकार धराशायी हो जाएगी। Well, yes, that's a very strong voice and opinion that comes from members of Hatai who go ahead and say, who have predicted a lot of things. This time around in Rajasthan, they predict that it's BJP who's going to come out with maximum numbers, about 120 is what is their call and take. And they say that it is BJP who's going to win in Rajasthan is what they go on to say. A very interesting thing to know and experience from the streets and the lanes of Jodhpur, with narrow lanes inside is this huge hatai all around, and people around me are somewhere, there are candidates around also, but then people around me over here are taking a call about how and in which way, who will win and in which way they all have a hope on BJP to go ahead with. With video journalist Amit Rawat, I'm Urvashi Kona reporting for The New India. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel The New Indian by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.